एक्चुअली बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक का जो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है ओजोन की जो 2.0 की, वो काफी जबरदस्त रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम लोग ग्राफ देखें तो लगभग लगभग हम लोग 60,000 वॉलेट्स एड्रेस क्रिएट हो चुके हैं। लगभग लगभग 30,000 के आसपास हमारे यूजर्स आ चुके हैं। तो इतने कम दिनों में इतनी बड़ी कामयाबी जो अनएक्सपेक्टेड है, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने इस 2.0 में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अभी जैसा कि बता रहे थे हुसैन सर, और जितने भी टीम है, सिर्फ हुसैन सर ही नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को अचीव किया है। 3 स्टार्स अपने डाउनलाइन में रखे हैं, तो नंबर ऑफ 3 स्टार्स आज के डेट में अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ 4 स्टार्स भी अवेलेबल हैं। और सब लोग, चूंकि सब लोगों ने इसमें दिन रात मेहनत करी है, और माय डियर फ्रेंड्स समझ लें कि एक आज 3 स्टार की जो इनकम है वो 20 ओजोन की है, यानी कि 20 ओजोन पर डे। आप समझ सकते हैं कि 1,80,000 समथिंग की पर डे की इनकम अगर कोई विद इन 10 डेज में पहुंच सकता है, ये कम बड़ी बात नहीं है। यानी कि लोग सालों में इतना कमाने के लिए सोचते हैं कि मुझे साल की इतनी सैलरी आ जाए। 1,80,000 में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके इस लेवल की इनकम ले रहे हैं जो कि उनकी साल की होती है। धीरे 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 वो प्रोग्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओजोन में वो पावर है कि जिसमें लोग पर डे की इतनी इनकम ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ओजोन की पावर है जिसने अब 2.0 में भी दिखाना शुरू कर दिया। यानी ओजोन 1.0 में जो उपलब्धियां लोगों ने हासिल करी थी, ओजोन 1.0 में जो अचीवमेंट लोगों ने लिया था, उसका नमूना आपको सेकंड में भी देखने को मिल गया। यानी अब भी वो लोग जो इंतजार में हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो किंतु परंतु ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा होगा, इसके पीछे अभी भी बैठे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ी घाटे में जा रहे हैं। यानी कि जो जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशंस तो आज न कल हो जाने हैं, राइट? लेकिन जो टाइम है, जो अभी जो गोल्डन पीरियड है काम करने की, ये पीरियड आप खो देंगे और वो बंदे आगे निकल जाएंगे और आप हाथ मल के बैठ जाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है, तो हमें पास से भी सीखना चाहिए। जब हमारा ओजोन 1.0 आया था तो उस टाइम में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम के साथ ज्वाइनिंग करी और फिर सोचने लगे कि जब ये इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आएंगे तो काम करेंगे, जब ये बिटमार्ट पे आया फिर सोचे कि और आएंगे, एल बैंक पे आएगा तो काम करेंगे, कॉइन गीको पे आएगा तो काम करेंगे, कॉइन मार्केट कैप पे आएगा तो काम करेंगे, सर्टिक पे आएगा तो काम करेंगे, राइट? इस तरह की बातों में लोग बस रह गए, यूज केस आएगा तो काम करेंगे, और इसी बहानों में के तले, इन्हीं चीजों के पीछे वो वहीं के वहीं रह गए। और बाकी जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा किया, जो कि मेन जो रीड है, जो सिस्टम है, वो हमारा ब्लॉकचेन है। एक्चुअल जो यूज केस है वो हमारा ब्लॉकचेन है, एक्चुअल जो पावर है वो हमारे ब्लॉकचेन का है। जिन लोगों ने इसके ऊपर बिलीव किया, विश्वास किया, वो आगे बढ़ते रह गए और यहां तक आगे बढ़ गए कि सितारे बन गए, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो गलती जो जिन लोगों ने पहले करी है,
वो गलती मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना दोहराएं, कि ये होगा तो ये करेंगे, ये आ जाएगा तो शुरू करेंगे, तो इसमें आप बिल्कुल पीछे रह जाएंगे और बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये मौका है आपको अपने टैलेंट का 100% यूज करने का, इस सिस्टम के ऊपर 100% बिलीव करने का, जो कि जो ये जो हमारा जो ब्लॉकचेन जो बन कर आया है, मैं चैलेंज देता हूं कि इस तरह की ब्लॉकचेन आप एक पेश कर दो, एक ब्लॉकचेन पूरी दुनिया से उठा करके दिखा दो कि जो ओजोन के कंपटीशन में खड़ा हो सकता हो। नहीं दिखा पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, नेवर एवर, कभी नहीं दिखा पाएंगे। जिस ओजोन 2.0 का जो ब्लॉकचेन है, इसमें जितनी जो फीचर्स डाली गई है वो अपने आप में ट्रिमेंडस है, वो अपने आप में एक अजूबा है। ऐसी चीजों बनाने के लिए सालों मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाके ये सिस्टम रेडी होता है। आज से अगर आप प्रयास करेंगे ओजोन के जैसा सिस्टम बनाने में, आपके 4 साल 5 साल लग जाएंगे, फिर जाकर के आप बना पाएंगे। लेकिन आज के डेट में ओजोन के जैसा दूसरा कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है, जो कि पब्लिक के लिए बनी हो और इन्वेस्टर्स के लिए भी बनी हो, जो इनोवेटर्स के लिए बनी हो, डेवलपर्स के लिए बनी हो, हर एक तरह के लोगों के लिए बनी हो। वनली वन सारे फीचर्स अगर किसी ब्लॉकचेन में है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओजोन है। मैं यहाँ इस मीटिंग में आप लोगों को बिल्कुल, यूं कहते हैं ना कि डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि हमारे जैसा ब्लॉकचेन कहीं नहीं है। हो सकता है उनकी मार्केटिंग अच्छी हो सकता है किसी और फीचर में वो आगे हो, लेकिन जितनी फीचर्स हमारे इस सिस्टम में दी गई है उसके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं है। ये बात आप अपने अंदर अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख ले कि आपके जैसा ब्लॉकचेन नहीं है पूरी दुनिया में। अगर है तो आप कंपैरिजन करा ले, मैं कंपैरिजन करके दिखा दूंगा कि ऐसा नहीं हुआ है आज तक। राइट, तो ये कॉन्फिडेंस है माय डियर फ्रेंड्स, और इसी एक कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ओजोन में पहले दिन भी जुड़ा था और आज भी हूं और कल भी रहूंगा। तो आपके सिस्टम को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता है। राइट, अब बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ जो लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल में हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जो ज्वाइनिंग का जो रेशियो हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ। राइट, जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है, नया स्टार्टअप होता है, तो उसमें ज्वाइनिंग्स शुरू में 2, 4, 5, 10, 100, 500 महीने लग जाते हैं, हजारों ज्वाइनिंग होने में। 2 महीने 3 महीने में उनके पास 5,000 10,000 लोगों की कम्युनिटी आती है, तो उनके पास एक मौका होता है कि उस बीच में अपने ब्लॉकचेन की कैपेसिटी को इम्प्रूव करे, चाहे वो इथेरियम हो, ट्रोन हो, पॉलीगोन हो। इन सब ने धीरे 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 अप्रूव करी है अपनी अपनी सिस्टम को, इम्प्रूवमेंट करी है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी मैं कंपैरिजन किसी भी एमएलएम से नहीं करता हूं, ना ही मेरे इस हैंडल से किसी भी एमएलएम कंपनी के बारे में कुछ बुरा भला कही जाती है, बिल्कुल नहीं। हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम, जो कि बड़ी, जो जिसपे दुनिया का बिलीव है, उस ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन, उस पे बिलीव है पूरी दुनिया का, मुझे भी है, इथेरियम है, ट्रून है, पॉलीगोन है, इन सब के ऊपर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। जिसपे बिलीव है, जिसपे सारी दुनिया उसे पसंद करती है, उनसे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। राइट, तो उनके पास जब कम्युनिटी बढ़ती है तो धीरे 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 कम्युनिटी बढ़ती जाती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सोल्व करते चले जाते हैं। राइट, हमारा ओजोन 2.0 में क्या हो रहा है कि हमारे पास चूंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, तो ये एक बैक हमारे सिस्टम के ऊपर आ गई। राइट, तो अब बाकी की जितनी भी चीजें हमने रिसर्च से जो करी थी, लाइक क्वाइन के ट्रांजेक्शंस, उसके ऊपर एनएफटीज बनना, उसके ऊपर टोकन्स बनना, डिफाई के प्रोजेक्ट बनना, ये सारी की सारी चीजें पे जो हमने रिसर्च करी थी, जो टेस्टिंग करी थी, वो हम लोग कामयाब हैं और हमारे ब्लॉकचेन
हमारा जो ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल एकदम पानी की तरह कह लीजिए चल रहा है, कहीं कोई इश्यू नहीं आती है ट्रांजेक्शन में, ना ही आप एक्सचेंज पे कभी कोई इश्यू आ रही है, ना डिपॉजिट में, ना विड्रॉल में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोगों का ब्लॉकचेन उस लेवल पे कारगर है और कर रहा है। अब बात आती है माइनिंग को लेकर के और ब्रिजिंग को लेकर के, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो माइनिंग का जो प्रोसेस होता है ये वर्क करता है दो तरह से। एक जो माइनिंग होती है जो कि वैलिडेटर्स के थ्रू होते हैं, वैलिडेटर्स किसी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, लाइक इथेरियम में, या आप बात करें किसी भी ब्लॉकचेन में, ट्रोन हो, पॉलीगोन हो, इन सब में जो वैलिडेटर्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन वैलिडेट करते हैं, यूजर से जो गैस फीस निकलती है उसको रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। तो ये एक सर्कल काम करता है, इसको हम लोग माइनिंग बोलते हैं, राइट। हमारे सिस्टम में क्या है डिफरेंट कि हम वैलिडेटर्स के लिए तो जो प्रणाली है वो तो दे ही रहे हैं, हम यूजर्स के लिए जो हमारे डेलीगेटर्स हैं इनके लिए भी एक प्रणाली बनी हुई है। और वो प्रणाली क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे वैलिडेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, राइट। और जितनी भी स्टेकिंग हो जाता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, हमारे ब्लॉकचेन को उसके बारे में पता होता है, और हमारा जो ब्लॉकचेन है यानी जो सारे वैलिडेटर्स हैं इन सब से मिल करके जो हमारा जो कंसेंसस मैकेनिज्म है जो रेडी हुआ है वो इसके अकॉर्डिंगली क्वाइंस को जेनरेट कर देते हैं, राइट। और क्वाइंस जब जनरेट हो जाता है 24 आवर्स में, ये सारे के सारे क्वाइंस फिर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएटर्स हैं उनको एक ओरेकल सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होता है, राइट। ये सिस्टम होता है, तो इस तरह से ये काम करती है। अब होता ये है कि ओरेकल्स का एक पावर होता है, राइट। जैसे नोट्स का भी पावर होता है उसी तरह से ओरेकल्स का भी पावर होता है। तो अब होता ये है कि एक ओरेकल्स की जो क्षमता होती है एक दिन की 8000 यूजर्स को वो दे सकता है पेमेंट, 8000 यूजर्स को। लेकिन जैसे ही यूजर्स के ऊपर उनकी लेवल्स बढ़ती जाती है, लेवल्स बढ़ती जाती है, दैट मीन्स कि आपको 10 लोगों से अगर माइनिंग आ रही है उसमें और आपको 100 लोगों से माइनिंग आ रही है इसमें, ये दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यूजर्स की लेवल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे ओरेकल्स को ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे, और उससे होगा ये कि जहां 8000 कैपेसिटी है नॉर्मल यूजर के लिए, अब उनको 4000 ही वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जो जिसके पास ज्यादा होल्डिंग्स, जो जिनके पास ज्यादा टीम है, फिर 1000 ही कर पाएंगे। तो इस तरह से ये काम करती है। और चूंकि हमारा जो सिस्टम बना है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमें अनलिमिटेड लेवल से माइनिंग्स आ रहे हैं, जो कि पहले जो हमारा था वो 15 लेवल का था, थोड़ा तो एक हद लिमिट तक ठीक था, लेकिन यहां क्या है कि अनलिमिटेड लेवल से वो माइनिंग्स आ रही। तो इसके लिए हमें मोर ओरेकल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। और ओरेकल्स बनाने में लिए जिस तरह से नोड को इंस्टॉल करने में जितना टाइमिंग लगता है, जितनी उसमें वो लगते हैं टाइमिंग और जो मेहनत वो लगता है, सेम ओरेकल्स को बनाने में भी लगता है, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारी अपेक्षा के विपरीत ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं, लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, तो उस बीच में हम ओरेकल्स को बनाने में उतनी टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं, या यूं कह लें कि हमारे पास उतनी क्षमता भी नहीं हो पा रही है, राइट, कि हम उस चीज को बना पाए। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी ट्रांजेक्शन में फेल हो जा रहे हैं, उनको माइनिंग नहीं मिल रही। तो जैसे हमारी कैपेसिटी बन रही है फिर हम ओरेकल्स को बना दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है तो जिसकी वजह से। बट कल मेरी बात हुई थी सर से और डेवलपर टीम के साथ में मीटिंग हुई थी मेरी, तो उन लोगों ने इस
यही बताया कि हम ओरेकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको और ज्यादा, उस ओरेकल्स को और ज्यादा सफिशिएंट बनाने के लिए, उसमें और ज्यादा कैपेसिटी डालने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हम बहुत जल्द कर लेंगे, यानी कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ये इश्यूज आएंगे, चाहे वो माइनिंग की हो या ब्रिजिंग की हो। ब्रिजिंग भी ओरेकल्स के ऊपर काम कर रही है, राइट। तो हफ्ते 2 हफ्ते आप लोग लेकर चल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद रहेगा, माइनिंग चलेगी। किसी किसी बंदे का इश्यूज आएंगे तो वो फिर नेक्स्ट जो ओरेकल में उनके साथ जैसे ही कनेक्टिविटी होगी फिर उनको आना हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम ओरेकल्स पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि हम मैक्सिमम ओरेकल बना रहे हैं। दूसरा क्या है ऑप्शन कि हम ओरेकल्स में कुछ और टेक्नोलॉजी ऐसा डालें कि और ज्यादा हम इस चीज को कर पाए, राइट। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। इवन कंपनी आपके लिए एक एक ऐसा ऑप्शन देने जा रही है, राइट, बूस्टर की। अगर आपको माइनिंग नहीं मिली इन केस, तो आप ब्लॉकचेन में बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप जब बूस्ट करेंगे तो आपकी माइनिंग्स अगर कहीं पे रुकी हुई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन रेडी किया जा रहा है और इसको बनने में मुझे लगता है कि 1 वीक जाएगा। तो उसके बाद से फिर ये स्मूथली हो जाएगी। फिर कोई भी अब बंदा, अभी तक जो ये बोल रहे हैं कुछ नए लोग हैं, क्योंकि नई ज्वाइनिंग्स में ये इश्यूज आ रही होंगे, पुरानी तो उनकी कनेक्टिविटी हो गई है, वो मिल रहे हैं जैसे कि पहले हम, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं तो उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही होगी, तो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। उनका 2 दिन हो गया होगा, 3 दिन हो गए होंगे, उनको नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही फिर न्यू हमारा जैसे ओरेकल वर्क करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ओरेकल्स भी काम वैसे ही करता है एज द नोड, इसको भी सारे डेटा सिंक करने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, फिर जाकर के वो काम करता है, ठीक है। तो उसी तरह से जितनी हमारे ओरेकल्स बनते हैं, फिर वो जितनी ज्यादा डेटा है सबको सिंकिंग में जाती है। जस्ट लाइक ओरेकल्स भी एक नोड के जैसे ही फंक्शनलिटी होती है, जो कि काम करती है नोड के साथ में मिलकर के, यानी एक लेयर 2 सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करती है। तो इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स ये मिलकर के काम हो रही है। तो हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, यानी कि पहले क्या होता है ना कि प्रॉब्लम को फाइंड करना, तो हमने प्रॉब्लम फाइंड भी कर लिया और प्रॉब्लम हमने उसको सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। अब उसको बस हमको इम्प्लीमेंट करने में हफ्ते 2 हफ्ते जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी माइनिंग बंद होगी, और जिन लोगों की माइनिंग अगर बंद होगी माय डियर फ्रेंड्स, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी माइनिंग 365 डेज मिलनी है। हर हाल में 365 बार 255% जो मिलना है वो आपको मिलेगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहे, आप एक अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हैं, एक इनोवेटिव सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो हमेशा से कुछ ना कुछ नई इनोवेट करने में लगी रहती है, जो दुनिया को देना चाहती है। हम जो चीजें अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कल की डेट में यही चीज हम मार्केट में सेल आउट करेंगे। हम अपने नोट्स को सेल आउट करेंगे, हम अपने ओरेकल्स को सेल आउट करेंगे, हम बता पाएंगे कि हमारा ओरेकल्स में कितनी पावरफुल सिस्टम बनी हुई। तो ये चीज है। तो दूसरी चीज ब्रिजिंग को लेकर के, ब्रिजिंग अभी स्टॉप है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रिज हुए थे क्वाइंस वो लूप में थे, बहुत उसमें कुछ एक एरर भी आया हुआ था, लाइक कि कुछ यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ किया था और उन्हें स्टेक नहीं लगाए थे, उनका भी ब्रिजिंग में चला गया और पेंडिंग। तो उन लोगों का पेंडिंग क्लियर नहीं होगा, उन लोगों का पेंडिंग क्लियर नहीं होगा जिन लोगों ने 1 क्वाइन किया है, एटलीस्ट सिर्फ उन्हीं का पेंडिंग क्लियर हो पाएगा, और माइनिंग भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने एटलीस्ट 1 क्वाइन स्टेक किया हुआ है। अदरवाइज जिन लोगों के अगर स्टेक लगी भी हुई है तो उनको 1 क्वाइन न्यू वाला स्टेक करना ही पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज है माय डियर फ्रेंड्स की ब्रिजिंग को लेकर के, जो बहुत सारे लोगों का अभी तक जो हमारा जो सिस्टम था, यूं समझ लीजिए कि 50,000 हमारे क्वाइन सेल होने थे कंपनी की, तो जिसमें से ऑलमोस्ट सेल हो रहे हैं, हो चुके हैं, थोड़े बहुत हैं जो कि सेल होने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वाइन कहाँ से आएगा,
जो लोग आज सोच में डूबे हुए हैं, परेशान हैं ओजोन वन को लेकर के, सो मैं बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हर एक चीज का एक वक्त होता है। आप लोगों ने इतना वक्त दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया। आपने 4 महीने, 3 महीने, किसी ने 2 महीने, किसी ने 6 महीने से क्वाइंस को सेल आउट नहीं किए हैं, बट आपने क्वाइन रिजर्व जरूर किया है। कंपनी ने आपकी माइनिंग कभी बंद नहीं करी, इस बात की तो तारीफ आपको करनी चाहिए कि बाकी सिस्टम की तरह जब सिस्टम अपडेट में जाता है तो माइनिंग भी अपडेट में चला जाता है, बल्कि वहां तो माइनिंग होती ही नहीं, लेकिन उनकी जो क्वाइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो उनका जो प्रॉफिट होता है, वो भी अपडेट में चला जाता है, बंद हो जाती है। यानी सिस्टम अगर 4 महीने बंद है तो 4 महीने आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया का वाहिद सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स जहां आपकी माइनिंग में डिस्टरबेंस नहीं दिया, यानी कि आपके पैदावार में प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने उसके स्टोर किया, आपने जमा किया है, और ये एक एक जो प्रोडक्ट आपने जमा किया है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक एक प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में तब्दील लाने वाली, एक एक ओजोन, किसी का एक ओजोन भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि लोग ढूंढने जाएंगे और ओजोन नहीं मिलेगा, ये दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोगों ने इतना पेशेंस का मुजाहरा किया है, थोड़े से और आप लोग और पेशेंस रखेंगे, कंपनी ने सिस्टम तो बना ही दिया कि आप ब्रिजिंग के थ्रू स्टिक कर सकते हैं, इसमें भी कुछ चीजें और अपडेट्स हो रही है और इससे भी बेहतर प्रणाली बना करके आपके सामने दी जा रही है। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ख्याल रखा गया है, और जो 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 लीडर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके लिए भी कंपनी ने इस बार बहुत जबरदस्त सोचा है। एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही है, जहां पे हर बंदा मजबूर हो जाएगा फील्ड में निकलने के लिए, काम करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। और आप फील्ड में निकलेंगे, आप काम करेंगे, और यहां से इतना अर्निंग करना शुरू कर देंगे कि आप खुद भी सोच नहीं सकते हैं। तो सबके लिए ये चीजें हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एनालिसिस टीम बैठी हुई है, वो एनालाइज करती है और वो चेक करती रहती है कि हमें कब और कितना क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सिस्टम को लॉन्ग टर्म का विजन दिया है, तो हमें लॉन्ग टर्म तक चलना है। ऐसा नहीं कि हम आनन फानन में, प्रेशर में आकर के, लोगों का प्रेशर करके सिस्टम को ही तबाह कर दें। तो बर्बाद कौन होंगे? पब्लिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो बाल भोली वाली है, उन्हें पता नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करेगा, उनको क्वाइंस कैसे सेल आउट होंगे। तो हमने, हमारी जो टीम ने जितनी भी चीजें कर रही हैं वो आपके लिए कर रही हैं, आम इंसान से लेकर के हर एक इंसान तक, खास इंसान, सबके लिए एक ये काम कर रही है कि किसी के भी एक ओजोन भी बाकी नहीं रहने वाले हैं, बल्कि एक एक ओजोन की कीमत माय डियर फ्रेंड्स $100 नहीं, बल्कि ये 200, 300, 400, $500, बल्कि हत्ता की $1,000 भी जाने वाले हैं। तो जो लोग जो अभी जो 2,000, 1,000 में बिना मतलब के परेशान हो करके बेचने में है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक एक ओजोन आने वाले दिनों का बिटकॉइन है। ये बात आप ध्यान में रखें, आने वाले 5 साल, 10 सालों में इसकी कीमत बिटकॉइन से कम नहीं होने वाली है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? आपको लगता नहीं है क्या? थोड़ा सा आपको सोच करके देखना चाहिए कि जिन लोगों ने इस सिस्टम के साथ काम किया है, क्या वो कामयाब नहीं हुए? आज जितने भी लीडर्स यहाँ पे बड़े हुए हैं, क्या वो कामयाब नहीं हुए? किसी दूसरे सिस्टम की बात करेंगे तो 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं जो टॉप में, सिर्फ वही इनकम करते हैं और उन्हीं को दिखा करके लोगों को पॉजिटिव किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों हजार लीडर हैं जो यहाँ से कामयाब हुए, और आप अगर उनकी टेस्टिमोनियल्स को देना चाहें तो आप, मैं जरूर यकीन दिलाता हूँ, दावा भी करता हूँ कि आपके हर सिटी में, हर इवन हर एक मोहल्ले में एक ऐसा बंदा आपको देखने को मिल जाएगा जो ओजोन से अपने लाइफ को नीचे से लेकर के टॉप तक के लेकर गया है। आपको सैकड़ों गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी रोड्स के ऊपर में, हजारों बाइक्स मिल जाएंगे रोड्स के ऊपर में। ये कैसे हुआ? पॉसिबल हुआ क्यों? क्योंकि ओजोन का विजन 1 के लिए भी बेटर था और 2 के लिए सुपर है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आपका जो क्वाइन है वो बहुत कीमती है। अभी मैं एनालिसिस कर देता हूं कि हमारे पास 50,000 क्वाइन है, उसमें से अराउंड 40,000 एंड अबव क्वाइन सेल आउट हो चुके हैं।
राइट, थोड़े बहुत क्वाइन है जो बाकी एक्सचेंजेस के लिए है। तो अब मार्केट में क्वाइन है ही नहीं, जब मार्केट में क्वाइन नहीं है तो क्वाइन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये अभी 104, 105, 106 चल रहा है, ये 110, 150, 200, जैसे ही ये 200 पे जाएगा हम ब्रिजिंग की प्रक्रिया को थोड़ा सा और वो करेंगे, राइट, यानी कि और बढ़ाएंगे, यानी कि हम कैपेसिटी पुराने लोगों को और देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पर डे की माइनिंग होगी सिर्फ 500, 600, और हमारी जो डिमांड होगी वो होगी 2000, 3000, जो आज के डेट में है वो डिमांड होगी। तो हम धीरे धीरे ओपन करेंगे। आपका एक एक क्वाइन है ना, हम नहीं चाहते कि आप एक का एक एक क्वाइन कम रेट में बिके, बल्कि हम चाहते हैं कि आपका एक एक क्वाइन $100 से नीचे नहीं बिके। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा, हमें फील्ड में जाने पड़ेंगे, लोगों को बताने पड़ेंगे कि ओजोन का तो क्वाइन है ही नहीं, 50,000 था वो खत्म हो गया, अब तो सिर्फ पुराने ही क्वाइन तो सोल्यूशन है, पुराना क्वाइन ही तो है हमारे पास, कंपनी का जो था उसने बेच दिया, खत्म हो गया, अब है नहीं, वो 50,000 क्वाइन बेच करके उसने लिक्विडिटी डाल दिया, रख दिया, इन फ्यूचर कभी भी रेट में अगर डंप आएगा तो वो बाई बैक करेगी। ये आपके लिए एक अलग से पहाड़ कंपनी ने बना करके रख दिया, राइट। दूसरी चीज, अब आपके पास सिर्फ क्वाइन है, कंपनी के पास है नहीं, बिक गए, अब आपको अपना क्वाइन सिर्फ सेल होने हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रख के कि आपका जितना भी क्वाइन है वन, उसी से ही पूर्ति हो सकती है टू में, क्योंकि जो नई कम्युनिटी आ रही है उनको देने के लिए कंपनी के पास अब क्वाइन नहीं है, अब उनको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वाइन है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, आपके कहने से पहले ही कंपनी उसका सोल्यूशन ढूंढ कर रखती है, कंपनी के पास लोग हैं, मैनेजमेंट लोग हैं, और वो देखते हैं आपके बिना कहे वो लिमिट्स को बढ़ाएंगे। अभी चूंकि कम लिमिट से शुरुआत कर रहे हैं, इसे चलने देते हैं हम लोग 15 दिन, महीना दिन, और इसका जो प्रक्रिया है उसके तरीके से चलते हैं, फिर अगले महीने में फिर कुछ होगा, फिर अगले महीने में फिर कुछ होगा, जैसे जैसे हमारे पास बायर्स तैयार होंगे वैसे वैसे हम सेलर्स को ऑप्शन देंगे, राइट। तो यकीन मानिए आपका एक ओजोन कहीं नहीं जाने वाला है, एक एक ओजोन बिकने वाला है, और $100 में बिकने वाला है। कितने क्वाइन होंगे माय डियर फ्रेंड्स? अभी तक माइनिंग होकर के लोगों के पास बहुत ज्यादा क्वाइन नहीं है। अभी हमारा वन क्वाइन माइनिंग होकर के एक साल में आएगा ना, तो लगभग लगभग 70 लाख के आसपास आएंगे, 70 लाख, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टेकिंग है वो 20-25 लाख पर आकर के खत्म हो गई, 25 लाख पे स्टेकिंग खत्म हो गई। तो 25 का 75 होता है, बट 75 भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे का तो मैच्योरिटी अभी कंप्लीट हो रही है, आने वाले 6 महीनों में तो उतना ज्यादा हुआ नहीं था। तो ये 50-60, मैक्स टू मैक्स 70 पे जाकर के ओवर खत्म हो रही है। अगर हमारे पास सिर्फ 10 लाख लोगों की कम्युनिटी आती है तो भी सिर्फ सात सात क्वाइन अगर होता है तो खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्वाइन हमारे पास है कहाँ? 70,000 या 1 करोड़, कंपनी ने क्या था 1 करोड़ क्वाइन की जो सिस्टम बना रखे थे वो किस लिए? बिटकॉइन की जो लिमिट है वो 2 करोड़ 10 लाख है, और हमारा सिर्फ पुराना कॉइन 70 लाख भी नहीं है, ये एजम्पशन बता रहा है, मैक्सिमम ये 50-60 लाख है। अब कहां 2 करोड़ 10 लाख और एक एक कॉइन की कीमत कितनी है? 50 लाख की। वहां सोचे, एक एक कॉइन की कीमत 50 लाख की है और हमारे पास सिर्फ 70,000 कॉइन है, सॉरी सिर्फ हमारे पास 70 लाख कॉइन है, 50 लाख कॉइन है, उससे 4 गुना कम है। तो सोचे कि हमारे कॉइन का प्राइस कितना हो जाएगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भ्रम में डाले हैं ना लोगों ने, जो पैनिक किए हैं, या जो कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो कि आपको आपके दिलों में डर डालते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, खत्म होने वाला है, बेच के निकल लो, राइट, ये गलती करके वो आपसे खरीद लेते हैं 2,000 में और खुद ही बेचते हैं 3,000 में, आपसे खरीद लेते हैं 4,000 में, खुद ही बेचते हैं 5,000 में। और अब तो ऐसा भी सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आम जनता को यही बताना चाहता हूं कि ये लोग एक एक क्वाइन को 9,500 में भी बेचेंगे अब, तो आप भी सस्ते रेट में मत देना। ये जो लीडर्स आएंगे या जो भी बंदे आएंगे जो काम करने वाले हैं, वो आएंगे क्वाइन आपसे बाई करने, तो बोलेंगे कि कम में दे दो, लेकिन वो बेचेंगे महंगे में,
तो आपको पेशेंस रखना है, ये आपका एक एक कॉइन बहुत कीमती है, एक एक कॉइन आपका बिटकॉइन के बराबर की वैल्यू रखती है, आप इस चीज को लेकर चले। शुरुआत के दिनों में जब बिटकॉइन के जो जो पहले के जो टीम होती थी, जो उनके जो फॉलोअर्स होते थे, जो उनके मार्केटर्स होते थे, लोगों को बताते थे, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था, लगता था क्या है, कुछ नहीं है, सब हवा है, बबल है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज वो एक एक बंदा रो रहा है जिसने इसको डिनाई किया था। सेम सिचुएशन आपको ओजोन के साथ भी देखने को मिलेगा, जो बंदे एक एक कॉइन को कम रेट में बेच रहे हैं, आने वाले 6 महीने के बाद में वो बहुत बड़ी घाटे में होंगे, पछतावे में होंगे, क्योंकि जो भी सिचुएशंस हैं ये 2 से 3 महीने के लिए है। 2 से 3 महीने के बाद में क्या पुराना और क्या नया, सबके सब नया ही हो जाएंगे, राइट। ये 2-3 महीने के बाद में आप लोग जिनके पास अगर 1,000 कॉइन है, आने वाले दिनों के आप बिलीनियर्स हैं। जिनके पास 5,000 कॉइन है, आने वाले दिनों के आप बिलीनियर्स हैं। तो ऐसे लोग जो कि कम रेट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ही आप गलती पे जा रहे हैं, आपकी क्वाइन की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आम कम्युनिटी के लिए तो मैंने ये चीजें बता दी, और मैं लीडर्स से यही कहना चाहता हूं कि हर इंसान आज से कोशिश कर ले कि मुझे विद इन अ वीक 3 स्टार कंप्लीट करने। अगर यहां पे जितने लोग हैं, हर बंदा अगर इसमें से अगर 100 लोग अगर सिर्फ 3 स्टार के लिए अचीव करना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं मार्केट से जो क्वाइन है, 10 लाख क्वाइन जो पुराने हैं वो गायब हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, क्योंकि एक एक 3 स्टार के लिए 600 कॉइन की जरूरत पड़ती है, राइट। 100 के लिए 600 × 100 कर ले, लगभग 6 लाख हो जाते हैं। और ये नहीं कि आप 3 स्टार बनेंगे तो केवल 3 लेवल में ही का बिजनेस होगा, बल्कि 3 स्टार बनते तक आपकी 15-20 लेवल में बिजनेस होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पास सिर्फ 100 3 स्टार की लाइन लगेगी, माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट से 10-20 लाख कॉइन गायब हो गए रहेंगे। तो क्यों परेशर में, क्या चीज है, कैलकुलेशन देखे ना, ऐसे हवा में लोगों की बातों में मत आए कि बहुत कॉइन है मार्केट में, ऐसा है, अरे कुछ नहीं है, है ही नहीं, वो तो जीरो है, नथिंग, कुछ है ही नहीं मार्केट में। ये सारा के सारा 2 से 3 महीने में ऐसे खत्म होंगे, लोग क्वाइन के लिए ढूंढने जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। और मैं बता दूं कि कुछ मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं, लाइक आप लोग अवेलेबल हैं, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनी है उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स हायर करने शुरू कर दिए, और इन्फ्लुएंसर्स ने डेमो भेजना भी शुरू कर दिया है। ये क्रिप्टो हासिल करके इन्फ्लुएंसर है, इनकी 246 की वो है, फैन फॉलोइंग्स है, बहुत ही एक्टिव हैं, और इन्होंने इन्होंने अपना ये करना शुरू कर दिया है। अभी कंपनी इसको ऑब्जर्व करेगी, इसमें जो चीजें उनको सही लगेंगी इसको सही करवाएंगे, तो ये लाइव कर देंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, ये टर्किश में है, डीआरओ ये है, ये इन्होंने भी अपना बना दिया है, राइट। तो इन्होंने कर दिया, और बाकी के भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी अपना वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, साउंड नहीं आ रहा है आपका, साउंड नहीं आ रही है। हेलो,
साउंड नहीं आ रही? आ रही है? जी साउंड नहीं आ रही। नहीं आ हेलो, रही? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है आ रही है जी। स्क्रीन शेयर देखा था आप लोगों ने? स्क्रीन शेयर तो हुआ था जी अच्छा, जी मैं बोल रहा था, आप लोगों को नहीं दिखे, सुनाई दिया? नहीं बोल रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था। ओके ओके, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कंपनी ने आप लोगों से कहा था कि हम इन्फ्लुएंसर्स हायर कर रहे हैं, और दुनिया भर में जो अलग अलग जो कंट्रीज के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर के उनके एरिया में हम कैंपेन कर रहे हैं, तो ये है क्रिप्टो हसल करके एक इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने इनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग्स है और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इनको इन्होंने हायर किया हुआ है। और ये जो वीडियो है ये अभी डेमो में इन्होंने दिया हुआ है, इसमें कंपनी चेक करेगी कि कहाँ पे इन्होंने मिसिंग करी है, वो चेक करके फिर इसको पब्लिश करी जाएगी, राइट। दूसरा है इन्होंने, ये है एक एल डायरियो है, ये भी क्रिप्टो का इनका ये है चैनल है, और ये टर्किश में है, तो ये यहाँ पे अभी तुर्की में कंपेन चल रही चलेगी हमारी, तो इस तरह से कंपनी अपने लेवल पे कर रही है। बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि हर एक चीज को देख करके, चूंकि नॉर्मली ये यूट्यूबर्स नहीं होते हैं कि जैसे आपने दिया और जैसे कैसे कर लिया, सारी चीजें चेक होंगी फिर आकर के वो वर्क करेंगे। तो यूं समझ लें कि बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है हमारी। बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि अब पहले 1.0 में तो सिर्फ हम लोगों ने अपना इफोर्ट लगाया था, अब कंपनी लेवल से भी इफोर्ट्स लगने शुरू हो गए हैं हर हर तरह से। अभी हमारा जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कैंपेन चलनी शुरू हो गई है, हमारे फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, हमारे एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग होने शुरू हो गए हैं, फिर अब इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग शुरू हो गई है, फिर हमारे इवेंट्स की मार्केटिंग शुरू होगी, तो इस तरह से डे टू डे हम लोग इस चीज को करते जाएंगे, जब तक हमारा 10-15 दिनों में हमारा जो सिस्टम है माइनिंग और ब्रिजिंग ये भी एकदम फुल एंड फाइनल हो जाएगा, फिर हम बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम करने वाले हैं। सो यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के पीछे आप लोग हैं, और ऐसा सिस्टम जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे वो सिस्टम हम लोगों को मिला है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप लोग बस अपनी अपनी टीम से 3 स्टार्स निकालने की कोशिश करें, और जितने भी 7 स्टार्स हैं बस वो इस मंथ 7 स्टार कंप्लीट करने की कोशिश करें। 7 स्टार कैसे बनना है इसके लिए काउंसलिंग करने शुरू कर दें, अपने नीचे नीचे 5-6 अगर आपने 3 स्टार निकाल देंगे ऑटोमेटिकली आप 7 स्टार बन जाएंगे, तो इसके ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। एक्सीलेंट सर।